तो हेलो गाइस, एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। यार आज मैं सोच रहा हूँ, ये जो मेरी बैकग्राउंड है बड़ी सूनी सूनी खाली खाली सी लगती है, तो इसको यार थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं। सोच रहा हूँ कुछ पोस्टर्स वोस्टर्स टाइप प्रिंट करवा लूँ या कुछ कुछ तो डेकोरेशन करें इस पर, क्योंकि ये मेन वॉल रहती है हमेशा हर वीडियो पर, ज़्यादातर इसी के साथ ही शूट हो रहा होता है। तो चलिए अब देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है। तो यार पहले तो यार इन जुल्फों का कुछ करवा लें, बहुत ज़्यादा ही बड़े हो गए, उसके बाद फिर कहीं जाएंगे। अभी हम हैं नेहरू प्लेस पे, तो अभी यहाँ पे चलते हैं। प्रिंटिंग विंटिंग का काम होता है यहाँ पर काफ़ी, तो चल के पता करते हैं क्या प्राइसिंग है और क्या क्या चीज़ें कैसे हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। हाँ जी, तो अब हम घर आ गए थे। अब मैं आपको प्रिंट दिखा दूँ जो मैंने करवाए हैं। ये देखिए साइज़, बाय द वे ये सब मैंने खुद बनाए थे, और साइज़ देख ही सकते हो आप, ये A3 साइज़ है। और पेपर क्वालिटी, साउंड तो आ ही रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि थिकनेस अच्छी है, पेपर भी अच्छे हैं। मेरे को तो बढ़िया लगा यार प्रिंट। ये देखिए, ये बढ़िया है यार, वैसे जिस प्राइस में ये काम मिला है बहुत सही था यार। और ये सिर्फ 15 रुपये में, 15 रुपीस पर प्रिंटिंग। यार A3 इससे सस्ता मेरे को नहीं लगता कहीं और मिलने वाला था, और मतलब वहाँ नेहरू प्लेस में आपको मिल सकता है, क्योंकि उस मार्केट में मोस्टली सेम ही प्राइसेस रहेंगी सही जगह पे। आप अगर बल्क में काम करवाएंगे तो आपको और सस्ता पड़ेगा। बाकी बहुत सही प्रिंट है यार, मतलब क्वालिटी पेपर की बहुत सही है, और हर तरीके का प्रिंट मिल जाएगा आपको, ग्लॉसी, मैट फिनिश, और अलग अलग साइज़ जैसे आपके रिक्वायरमेंट होगी आपको साइज़ के हिसाब से भी चीज़ें मिल जाएंगी। तो अब चलो यार इसको अब लगाते हैं, बाकी देखते हैं कैसे लगेंगे ये अब दीवारों पे। Thank you.
हाँ जी, तो अब पोस्टर्स तो लग गए, देख सकते हैं आप कैसे लग रहे हैं। सही लग रहा है मेरे को तो, पूरा सीन चेंज हो गया है और देखने में भी अट्रैक्टिव हो गया, पहले से तो बहुत सही लग रहे हैं। आप बताओ इनमें से आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। बाकी अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, इसके साथ बाय बाय।